का एग्ज़ाम भी हो जाएगा, तो आज लास्ट लेक्चर होगा और इसमें मैं आप लोगों को प्रोबेबिलिटी का कंप्लीट कंसेप्ट विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देने वाला हूँ। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, क्यों पढ़ा जाता है इसको, वाई टू स्टडी प्रोबेबिलिटी, ये सारी चीज़ें खाली समय में डिस्कस की जाती हैं। तो इस समय तो सिर्फ हम लोग सिलेबस पर फोकस करेंगे। सिंपली प्रोबेबिलिटी का मैं आपको डिफिनेशन दूंगा, उसके बाद आपको 12th में जो सिलेबस में है आपके प्रोबेबिलिटी, सिर्फ उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और हर एक टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन दो चार कर लेंगे, ताकि आपको एक कंसेप्चुअल क्लियरिटी आ जाए कि हाउ टू टैकल द प्रॉब्लम, कैसे आपको क्लासिफाई करना है कि इसमें कौन सा आपका फॉर्मूला काम करने वाला है। ठीक है, तो आइए देखते हैं बेसिक डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो आपने जैसे 11th में ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो प्रोबेबिलिटी मान लीजिए कोई इवेंट है, प्रोबेबिलिटी पहले किसकी निकलती है ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी किसी वर्क की निकलती है, किसी इवेंट की निकलती है। जैसे इफ वी टॉस्ड अ क्वाइन, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकलेगी, टेल आने की प्रोबेबिलिटी निकलेगी। ठीक है, मीन्स किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालते हैं। चलिए, तो जो प्रोबेबिलिटी डिफाइन होता है, बहुत ज़्यादा डिस्कस इस पर नहीं करते हैं, जो प्रोबेबिलिटी डिफाइन होता है किसी इवेंट के अकर होने का, प्रोबेबिलिटी जिसे हिंदी में प्रायिकता भी बोलते हैं, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑफ अकरिंग ऑफ एन इवेंट, किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ एन इवेंट, किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो डिफाइन होती है नंबर ऑफ फेवरेबल वेज। अगर हम इसको पी से दिखाएं तो नंबर ऑफ फेवरेबल वेज, नंबर ऑफ फेवरेबल वेज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वेज, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वेज। ठीक, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल वेज मीन्स हमारा काम कितने प्रकार से हो सकता है उसका टोटल नंबर, और कुल कितने प्रकार हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज टोटल कितने हैं उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। अब आप ध्यान दें, बहुत ज़्यादा होगा तो इवेंट नहीं होगा, मीन्स ये मिनिमम से मिनिमम ज़ीरो हो सकता है, कम से कम ज़ीरो हो सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा भैया ऊपर सिर्फ फेवरेबल वेज है और नीचे टोटल वेज है, मीन्स नीचे की संख्या ज़्यादा होगी तो 1/1 से बड़ा, 1 से छोटा, तो ये बहुत ज़्यादा होगा 1 हो जाएगा या 1 से छोटा ही रहेगा। तो किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो मिनिमम ज़ीरो होती है और मैक्सिमम 1 होती है, या इन्हीं के बीच में रेंज करती है। दैट इज़ क्लियर बाई द डिफिनीशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चलिए अब देखिए, जैसे इस पर एक छोटा सा एग्जाम्पल बता देते हैं, स्मॉल एग्जाम्पल, कि फेवरेबल वेज और टोटल नंबर ऑफ वेज का क्या मतलब है। सपोज अ वी टॉस्ड अ क्वाइन, क्वाइन को उछाला जाता है, तो सैंपल स्पेस में क्या आएगा, सैंपल स्पेस इवेंट, ये सब मैं ये कंसीडर करके चल रहा हूँ कि आपको पता है, यू हैव स्टडीड ऑल दीज थिंग्स इन 11th। तो या तो हेड होगा या तो टेल होगा, तो सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट 2 हो गए, मीन्स टोटल नंबर ऑफ वेज 2 हो गए, और अगर मैं हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछूं, मीन्स टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल वेज क्या हो जाएंगे, हेड तो एक ही प्रकार से आ सकता है क्योंकि सिर्फ एक ही है, तो हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, 1/2। तो ये मतलब होता है फेवरेबल वेज का और टोटल नंबर ऑफ वेज का। सपोज कि हमको सैंपल स्पेस कुछ ऐसा दिया होता, अब टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाते, 3, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2 हो जाती क्योंकि अब हमारे पास फेवरेबल वेज 2 है। तो ये मतलब होता है फेवरेबल वेज और टोटल नंबर ऑफ वेज का। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमको डिस्कस करना है वो प्रोबेबिलिटी वगैरह डिफिनीशन वगैरह नहीं डिस्कस करना है, ये मान के चला जा रहा है कि ये सब आपको पता है, छोटी छोटी चीज़ें। अब जो यहाँ पर हमारे प्रोबेबिलिटी जो हमको ट्वेल्थ में पढ़ना है उसके नियरली 4 से 5 पार्ट हैं, मीन्स 4 से 5 टॉपिक हैं जो हमको डिस्कस करनी है। तो मैं बारी बारी से एक एक करके पहले आपको बता देता हूँ क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद इंडिविजुअली सबको एक्सप्लेन करूँगा कि अलग अलग चीज़ें क्या हैं। तो बेसिकली जो हमको प्रोबेबिलिटी में यहाँ पर पढ़ना है उसमें पहला हमको जो पढ़ना है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल होगा, प्रोबेबिलिटी तो निकालना होगा बट वो प्रोबेबिलिटी कंडीशनल होंगी, उस पर कुछ कंडीशंस अप्लाई होंगी। जो दूसरा इसमें आपको पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़ना है जो कि उसी से कनेक्टेड होगा डायरेक्टली, मीन्स ये दोनों अलग अलग टॉपिक्स तो दिए हैं लेकिन है दोनों एक ही चीज़, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बहुत ही माइन्यूट है, वो भी सेंस में, फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है, सेंस में थोड़ा सा चेंजिंग आ जाती है, वो हम प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उसको देखेंगे क्या चेंजेस आते हैं क्वेश्चन लेके। जो थर्ड टॉपिक इसमें आपको पढ़ना है दैट इज इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट, ऐसे इवेंट्स जो एक दूसरे पर डिपेंड ना करें इंडिपेंडेंट होंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स पढ़ने हैं। जो अगला टॉपिक है वह है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। और जो लास्ट में आपको पढ़ना है बेस थ्योरम, बेस थ्योरम। इतनी चीजें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विद क्वेश्चंस, ठीक। पांचों चीजों को पहले हम देखेंगे क्या होते हैं ये, इनका मीनिंग क्या है, क्या कहते हैं ये, किस प्रकार की प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, और उसके बाद इन सब पर हम लोग कम से कम 2-2 क्वेश्चंस तो डिस्कस करेंगे। इसको शुरुआत इसकी शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक फार्मूले होते हैं विच आई थिंक यू हैड स्टडीड इन क्लास 11th बट आई एम रिपीटिंग फॉर यू दैट। तो सम फार्मूलेस, सम फार्मूले ये आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए, या अगर आपको पता है तो सिर्फ आप देख लें क्योंकि इनका यूज़ होगा और कभी कभी डायरेक्टली इसी पर MCQ बना सकता है तो इम्पोर्टेंट है। तो जो इसमें पहला थ्योरम आता है वो है पी ए यूनियन बी का। मान लीजिए ए और बी कोई इवेंट है, यहाँ पर जो कैपिटल लेटर्स में लिए जाएंगे थ्रू आउट द प्रोबेबिलिटी वो कोई ना कोई इवेंट की बात होगी। तो मान लेते हैं ए और बी कोई दो इवेंट हैं, तो कोई घटनाएँ हैं, दो कोई दो कार्य हैं, ठीक। तो इसका मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का सेंस क्या है, क्या निकलता है, ये देता है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, एट लीस्ट वन ऑफ ए एंड, ए और बी में से कोई एक कार्य हो जाए, या तो ए हो जाए या तो बी हो जाए या तो दोनों हो जाए, मीन्स कम से कम एक जरूर हो, तो जो इसकी प्रोबेबिलिटी होती है वो हो जाती है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन पी ए यूनियन बी का ये फार्मूला होता है। ये आपको फार्मूला कहीं ना कहीं सेट थ्योरी में दिखा होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, सीधा वहीं से इसका करिस्पॉन्ड है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ए यूनियन बी हमारा बड़ा सेट है, ए और बी उसके सबसेट ही होंगे, तो वो जो कंसेप्ट वहाँ होता है डायरेक्टली यहाँ पर वो ट्रांसलेट
हो जाता है। ठीक, अब देखिए इसमें एक मॉडिफिकेशन हो सकता है, अगर ए और बी हमारा जो ए और बी है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वो इवेंट्स होते हैं जो एक साथ कभी ना हो, अगर एक हो जाए तो दूसरा ना हो, अगर दूसरा हो जाए तो पहला ना हो। ठीक है, तो वही इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं जिन जो एक साथ नहीं घट सकते हैं। जैसे अगर टॉस उछाले हम, क्वाइन को टॉस करें तो हेड आ जाए अगर, तो टेल के आने की संभावना खत्म, क्योंकि हेड आ चुका, तो हेड और टेल आना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए। जैसे अगर हम डाइस थ्रू करें, अगर सिक्स आ गया तो बाकी सारे प्रोहिबिट हो गए, बाकी सारे अब नहीं आ सकते, तो वो सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो गए। ठीक, तो अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मीन्स दोनों एक साथ नहीं घट सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी जीरो हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी जीरो हो जाएगा। तो ये फार्मूला किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी में कन्वर्ट हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी। ठीक, ये पहला फार्मूला था। अब इनको हमको एक एक करके डिस्कस करना है, तो मैं एक इसको रब कर देता हूँ, फिर धीरे धीरे आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे। ये आपको एक ओवरव्यू देने के लिए कि आपको क्या पढ़ना है, ऐसे दिमाग में आपके चलना चाहिए, हाँ ये टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स हैं, ये हमको कवर कर लेना है, इससे रिवीजन करने में आसानी होती है, रिवीजन फास्ट हो जाता है। ठीक, ये पहला फार्मूला था। दूसरा फार्मूला देखते हैं कि अगर मान लीजिए तीन इवेंट्स आ गए, पी ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसका जो जनरलाइज्ड फार्मूला होता है वो बनता है पी ए, इसी से करिस्पॉन्ड होगा जैसे सेट थ्योरी में हमें मिला था, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, फिर इनके इंटरसेक्शन को बारी बारी से लेके माइनस करेंगे, माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी, माइनस पी सी इंटरसेक्शन या एक इंटरसेक्शन सी, प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये फार्मूला बन जाता है। अब इसमें भी वही कंसेप्ट लग जाएगा, अगर ए बी सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो इंटरसेक्शन वाले सारे पार्ट जीरो हो जाएंगे और फार्मूला सिर्फ यहां तक का बन जाएगा। ठीक, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का सिर्फ इतना मतलब है कि दोनों एक साथ नहीं घट सकते हैं या तीनों एक साथ नहीं अकर करेंगे, तो उन सब की प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगी, तो इंटरसेक्शन वाले पार्ट ओमिट हो जाएंगे, इमिट हो जाएंगे और सिर्फ वही बचेगा। चलिए अब देखिए थर्ड फार्मूला। अब ए और बी मान लीजिए कह रहा है कि ए और बी दो इवेंट हैं, इनमें से सिर्फ ए हो, अकरेंस ऑफ ओनली ए, बी ना हो सिर्फ ए हो, तो इसको कैसे दिखाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो लेकिन बी ना हो, जिस जो ना हो उस पर बार लग जाता है, और ये आपका डिफाइन हो जाता है पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, सिमिलरली अकरेंस ऑफ ओनली बी, सिर्फ बी घटित हो तो ये ए ना हो, बी हो जाए, सिर्फ ए और बी अपनी प्लेस को रिप्लेस कर लेंगे, बाकी बातें वैसे ही होंगी। ठीक, अब मान लो दोनों हो जाए, अगर हम दोनों की बात करें या हम कहें एग्जैक्टली वन हो, एग्जैक्टली वन, इनमें से कोई एक ही हो दोनों ना हो, तो उसको दिखाते हैं कि मान लीजिए एक बार ए हो बी ना हो, प्लस ए ना हो बी हो जाए, ये बात होती है। अब दोनों की वैल्यू उठा के रख देंगे तो क्या आ जाएगा, पी ए प्लस पी बी, अच्छा यहाँ पर हमने दोनों पर बार लगा दिया, माइनस ये टू टाइम्स हो जाएगा टू पी ए इंटरसेक्शन, ये चीज़ हो जाएगा। ठीक, तो ये तीनों जो फार्मूले हैं ये आपके दिमाग में कंटिन्यूसली प्रोबेबिलिटी पढ़ते समय रहने चाहिए, क्योंकि ये बेसिक्स हैं, यहीं से आपका थ्योरी लिफ्ट हुआ है, तो ये चीज़ें बेसिक आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम अपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर।
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। बेसिक्स जो रिक्वायर्ड थे प्रोबेबिलिटी के लिए, यही फॉर्मूलेज थे जो हमने आपको बता दिया। नाउ वी कैन डिस्कस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। चलिए देखते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, कैसे निकलता है, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। तो जो फर्स्ट टॉपिक है वो आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो जैसा कि कंडीशनल वर्ड से ही क्लियर है कि कुछ कंडीशन हमको दिया रहेगा, मीन्स वह कंडीशन होल्ड होनी ही चाहिए। तो मान लीजिए ए और बी दो इवेंट हैं हमारे पास, ए और बी कोई दो इवेंट है। सो द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज डिफाइंड एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए व्हेन बी हैड ऑलरेडी अकर्ड, और प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बी व्हेन ए हैड ऑलरेडी अकर्ड। तो मान लीजिए क्या हमने डिफाइन किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डिफिनेशन लिख रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए व्हेन बी हैड ऑलरेडी अकर्ड, बी हैड ऑलरेडी अकर्ड, मतलब दो काम में, दो इवेंट्स में एक इवेंट हो चुका है तो दूसरे के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसको दिखाते हैं पी ए बाई बी से। पढ़ते कैसे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैड ऑलरेडी अकर्ड, और ये आपका डिफाइन होता है पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी। सिमिलरली इस रिलेशन को रिवर्स भी कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बी व्हेन ए हैड ऑलरेडी अकर्ड, तो जहां जहां ए है वहां बी हो जाएगा, जहां बी है वहां ए हो जाएगा। तो यही आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है, यही आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है। या अगर मैं इसको रिवर्स करके लिख दूं तो यहां से पी बी बाई ए क्या आ जाएगा, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैड ऑलरेडी अकर्ड पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी ए आ जाएगा। ये आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिफाइन हो गई। अब देखिए मैं यहीं से मल्टीप्लीकेशन थियरम को निकाल दूंगा। आप देखें यहां से पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या आ जाएगा, पी बी इंटू पी ए बाई बी, और यहां से भी पी ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, यहां से भी पी इंटरसेक्शन बी बराबर आ जाएगा पी ए इंटू पी बी बाई ए। तो याद करने का तरीका क्या है कि जो नीचे रहेगा उसी की प्रोबेबिलिटी यहां मल्टीप्लाई होगी। तो दोनों को कंबाइंड रूप से क्या लिखा जा सकता है, दोनों को आपस में बराबर लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यही आपकी मल्टीप्लीकेशन थ्योरम होता है, इसी को हम मल्टीप्लीकेशन थ्योरम भी कहते हैं। तो यहां से आपका एक टॉपिक और हो गया मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, कि जो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का लिटरल मीनिंग क्या है, दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी, ए और बी दोनों के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी ही पी ए इंटरसेक्शन बी देता है। और दोनों के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी चाहे आप यहां से निकाल लें जो आपको पता हो, या आप यहां से निकाल लें, दोनों एक ही बात होगी। इसी को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, यही क्या कहलाता है, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या कहता है कि अकरेंस ऑफ ए व्हेन बी हैड ऑलरेडी अकर्ड और अकरेंस ऑफ बी व्हेन ए हैड ऑलरेडी अकर्ड पी ए बाई बी से डिनोट करते हैं, और डिफाइन ऐसे होता है और वो ऐसे डिफाइन होता है। अब मल्टीप्लीकेशन थ्योरम क्या कहता है,
द मल्टीप्लीकेशन थियरम टॉक्स अबाउट द अकरेंस ऑफ बोथ द इवेंट साइमल्टेनियसली मीन्स इट्स द थियरम टॉक्स अबाउट पी ए इंटरसेक्शन बी एंड बाई यूजिंग दीज टू फार्मूला वी गेट टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी एंड आइडियली दिस दे शुड बी इक्वल सो दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन थियरम. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. इसके बाद हम लोग बात करते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट की. नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट इंडिपेंडेंट इवेंट्स. क्या होते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड देन वी विल मूव टूवर्ड्स टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम एंड बेस थ्योरम एंड दैट विल बी ऑल फॉर कंसेप्चुअल क्लियरिटी इन प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस ऑफ यूपी बोर्ड हिंदी इंग्लिश मीडियम. ठीक, तो जो अगला हमारा तीसरा टॉपिक है, दो तो हमने कर लिया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड मल्टीप्लीकेशन थ्योरम. अभी क्वेश्चंस उस पर आएंगे, तो टॉपिक्स छोटे छोटे हैं, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर एक तरफ से हम लोग क्वेश्चन करेंगे. कारण क्या है, मैं क्वेश्चन साथ साथ क्यों नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि जो टॉपिक पढ़ाएंगे क्वेश्चन जब हम देंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ इसी टॉपिक का है तो यही अप्लाई होना है, तो उससे आपके अंदर एक समझ डेवलप नहीं होती है. जैसे डेरिवेटिव का एक मेथड मैंने बताया और इसी पर एक्सरसाइज करवाने लगूंगा तो आपका दिमाग तुरंत चलता है अब इसी से लगना है, सब लगा डालो. लेकिन जब मैं पूरा कंसेप्ट खत्म करके फिर क्वेश्चंस लाऊंगा तब आपको ये यूज करना पड़ेगा कि कौन सा अप्लाई होगा, कैसे अप्लाई होगा, कैसे पता चले कि यही अप्लाई होगा. इसीलिए मैं क्वेश्चन को लास्ट में ला रहा हूँ, दैट इज अ स्ट्रेटेजिक पार्ट ऑफ द टीचिंग. चलिए, जो थर्ड है वो है इंडिपेंडेंट इवेंट. इंडिपेंडेंट इवेंट ऐसे इवेंट्स जो एक दूसरे पर डिपेंड ना करें, एक की प्रोबेबिलिटी दूसरे को इफेक्ट ना करें. तो अभी देखिए, मान लीजिए ए और बी हैं, दोनों इंडिपेंडेंट हैं, मीन्स एक दूसरे से डिपेंड नहीं करते हैं. जैसे मैं क्वाइन को टॉस करता हूं तो हेड और टेल आना एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है. भाई हेड भी आ जाएगा, टेल भी आ जाएगा, कोई मतलब नहीं है, हम पहले से नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हैं. या उसको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि एक आ गया तो दूसरा नहीं आएगा. ठीक, इस एग्जाम्पल को यहाँ से डिस्कार्ड कर देते हैं, कोई और एग्जाम्पल. जैसे कोई एक मैथ्स की प्रॉब्लम है, क्वाइन वाला हटा दीजिए यहाँ से, वो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में चला जाएगा. मान लीजिए एक मैथ्स की प्रॉब्लम है, एक लड़का ए है, दूसरा लड़का बी है. अब ये इसको सॉल्व करे, ये इसको सॉल्व करे, ना कर पाए, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो यह इवेंट क्या हो गया, इंडिपेंडेंट इवेंट हो गया. ठीक है, तो इंडिपेंडेंट की डिफिनीशन की बात रही. अब अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो क्या हो सकते हैं, कुछ कंडीशंस होंगी जो सेटिस्फाइड होनी चाहिए. मान लीजिए ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो आप बताएं पी ए बाई बी क्या होता है. पी ए बाई बी होता है पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी, या पी बी बाई ए क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी ए. अब जब हम बोल रहे हैं कि ए और बी इंडिपेंडेंट हैं, तो अगर बी हो गया है तो ए की प्रोबेबिलिटी पर उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट हैं. तो इसको किसके बराबर आना चाहिए, पी ए के ही बराबर आना चाहिए, क्योंकि ए का बी पर कोई इफेक्ट या बी का ए पर कोई भी इफेक्ट नहीं है. सिमिलरली इसको किसके बराबर आना चाहिए, पी बी के बराबर आना चाहिए. तो दोनों ही जगह से हमको क्या मिल जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी. तो यह भी इंडिपेंडेंट इवेंट की डिफिनीशन होती है, ऐसे इवेंट्स जिनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उनके प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के बराबर हो जाए, यह भी डिफिनीशन है. ठीक, क्या कोई और कंडीशंस आ सकती है, सपोज वी हैव टू कंप्यूट पी पी ए यूनियन बी, पी
ए यूनियन बी इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट, मीन्स यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि ए और बी हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट है, एक रिलेशन तो ये मिल गया, अब यूनियन में देखते हैं कैसा रिलेशन बनता है। तो ये डिफाइन कहता हो कैसे होता है, बेसिकली पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे ही डिफाइन होता है। अब आप जानते हैं ए इंटरसेक्शन बी अगर इंडिपेंडेंट है तो किसके बराबर हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है भैया, पी ए इंटू पी बी के बराबर हो जाएगा। अब देखिए इंटरेस्टिंग आएगा यहाँ से, अब यहाँ से चाहे पी ए को आप कॉमन ले लें या पी बी को कॉमन ले लें, चलिए पी ए को कॉमन ले लेते हैं, पी ए इसमें इसमें कॉमन हो जाएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, वन माइनस पी बी बचेगा और एक प्लस पी बी अभी हमारे पास बचा हुआ है, ठीक। अब वन माइनस पी बी क्या होता है, पी बी बार होता है, पी बी बार हो जाएगा बी के ना होने की प्रोबेबिलिटी प्लस पी बी। अब इसमें मैं वन जोड़ता हूँ वन घटाता हूँ, क्यों करता हूँ, अभी एक स्टैंडर्ड फार्मूला बनेगा इसीलिए। अब आप देखिए आप क्या करिए, हाँ दोनों का यूज़ हो गया, पी यहाँ से हमने क्या किया पी ए कॉमन ले लिया इसमें और इसमें, तो वन माइनस पी बी बचा प्लस पी बी बचा, चलिए ठीक आगे बढ़ते हैं, पी ए इंटू पी बी बार इसको ऐसे ही रहने दीजिए, यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए माइनस वन, तो इसको मैं वन माइनस पी बी लिख सकता हूँ और ये प्लस वन बचा रहेगा। अब वन माइनस पी बी फिर से पी बी बार हो जाएगा, तो पी ए इंटू पी बी बार माइनस पी बी बार प्लस वन। अब पी बी बार फिर से कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, वन माइनस पी ए बचेगा प्लस वन, अब वन माइनस पी ए पी बी बार, तो ये क्या आ गया, वन माइनस पी ए बार इंटू पी बी बार, ये यहाँ पर ये माइनस में आएगा ये प्लस में आएगा, ठीक है, जब कॉमन लेंगे तो पी ए माइनस वन आएगा। तो ये फार्मूला होता है, तो इंडिपेंडेंट के इवेंट में इंटरसेक्शन प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है और जो यूनियन है वन माइनस पी ए बार इंटू पी बी बार के बराबर हो जाता है। इसको इसलिए बता दिया बिकॉज इट हैज़ डायरेक्ट यूज इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस, डायरेक्ट इसका यूज़ होगा और जब वहाँ पर लिखा जाएगा तो आपको समझ में कम आएगा, तो आपको ये मान के चलना है कि इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में ये दोनों फार्मूलेज वैलिड हैं, हम फ्रिक्वेंटली इसको यूज़ करेंगे। चलिए तो इंडिपेंडेंट इवेंट में भी आपको इतना ही जानना था, वो भी हो गया, आइए अब आगे बढ़ते हैं एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, जो मेनली क्वेश्चंस आपके यहीं से उठते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम एंड बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम एंड बेस थ्योरम। तो चलिए तो इसको टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम के लिए एक कंसेप्ट आता है पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, तो पहले उसको समझ लेते हैं क्या होता है पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, मान लीजिए सैंपल स्पेस है हमारा कुछ ऐसा है, ठीक, फिगर में हम लोग समझ रहे हैं क्योंकि सेट थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं, वेन डायग्राम वगैरह थोड़ा बहुत परिचित होंगे आप। ये हमारा सैंपल स्पेस सपोज रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स जितने भी कंडीशंस हैं जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं टोटल नंबर ऑफ वेज यही है। अब क्या करना है, हमें अपने सैंपल स्पेस को छोटे छोटे डिसजॉइंट पार्ट्स में तोड़ देना है, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देना है, सपोज E1, E2, E3, E4, ऐसे डॉट 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 EN, अपने सैंपल स्पेस को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देना है और ऐसे तोड़ना है कि एक दूसरे में कुछ भी कॉमन ना हो और सबका यूनियन करें तो क्या मिल जाए, पूरा का पूरा S हमको, अगर मान ली सैंपल स्पेस S से डिनोट हो रहा है तो S हमको क्या मिल जाए, S हमको सबका यूनियन लेने पर मिल जाए, जितना हमने जितने पार्ट में तोड़ा है सबका यूनियन करें तो S हमको मिल जाए, ये पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन ये है
कि किन्हीं भी दो का इंटरसेक्शन लें तो वह फाई हो। इसको कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कि डिसजॉइंट हो, पेयर वाइज डिसजॉइंट हो, पेयर वाइज डिसजॉइंट हो, किसी भी दो को पिक करें, उनका इंटरसेक्शन निकालें तो फाई आना चाहिए। मीन्स किसी में भी कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए और सबका यूनियन टोटल सैंपल स्पेस के बराबर होना चाहिए। तो इसी को क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड पार्टीशन। ये जो सेट बना E1, E2, EN का, इसको हम क्या बोलते हैं, पार्टीशन ऑफ S, पार्टीशन ऑफ S, ठीक। S को हमने पार्टीशन कर दिया। पार्टीशन हमने आपको पढ़ाया होगा रिलेशन में भी, जब मॉडुलो जेड रिलेशन निकालते हैं तो जेड को पार्टीशन करता है, तो वहाँ से इक्विवेलेंस क्लासेस निकलती हैं। तो इतना आपको नहीं जानना है, ये पार्टीशन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, जो मेन है हमारा, मुख्य है एंड द इम्पॉर्टेंट वन, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, ये थ्योरम क्या कहता है? ये कहता है, मान लीजिए एस कोई सैंपल स्पेस है, एस इज अ सैंपल स्पेस, और इसका जो पार्टीशन है वो E1, E2, EN है। मीन्स E1, E2, EN आर इवेंट्स चोजन फ्रॉम द सैंपल स्पेस एंड चोजन इन सच मैनर दैट दे विल फॉर्म द पार्टीशन ऑफ S। मीन्स देयर यूनियन इज इक्वल टू द सैंपल स्पेस S एंड दे आर पेयर वाइज डिसजॉइंट। मीन्स EI इंटरसेक्शन AJ विल बी फाई फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू J। इक्वल हो जाएगा तो इंटरसेक्शन में पूरा का पूरा खुद का सेट आ जाएगा, तो अलग अलग को लेना है, ठीक, डिस्टिंक्ट। तो ये मान लीजिए दिया है, एस सैंपल स्पेस दिया है, उसका पार्टीशन दिया है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम कहता है, अगर मान लीजिए ए कोई इवेंट है, ए इज एनी इवेंट, ए इज एनी इवेंट जो इन सब के साथ हो रहा है, हाँ, और जो सैम पार्टीशन की एक प्रॉपर्टी और होती है कि जो सारे इवेंट्स हैं इनकी प्रोबेबिलिटी जीरो से बड़ी होनी चाहिए। मीन्स सारे की अकरेंस की प्रोबेबिलिटी कुछ ना कुछ होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि कोई इवेंट इसमें से अकर ही ना हो पाए, इम्पॉसिबल इवेंट्स इसमें नहीं होने चाहिए, सबकी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। तो मान लीजिए ए कोई इवेंट है जो इन सब के साथ हो रहा है, ए कोई भी इवेंट है जो इन सब इवेंट के साथ अकर कर सकता है, तो ए की जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए दैट विल बी PE1, PA/E1 प्लस PE2, PA/E2 एंड सो ऑन, PEN, PA/EN। अब भाई A/E1, A/E2 ये सब कब निकलेगा, जब ए सब के साथ अकर हो रहा होगा, इसीलिए बस यही फार्मूला है, इसी को हम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम बोलते हैं, इसी को हम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम बोलते हैं। अब देखिए यहीं से आपको बेस थ्योरम मिल जाएगा, इसी में मैं आपको बेस थ्योरम डिस्कस कर देता हूँ। बेस थ्योरम क्या कहता है कि ठीक है, सारी कंडीशंस यही है, बेस थ्योरम कहता है कि इनमें से किसी एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी अगर ए हो चुका है, E1, E2, EN में से किसी एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी जब ए ऑलरेडी अकर हो चुका है, तो बाय द फॉर्मूला फॉर द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये क्या होना चाहिए, PA इंटरसेक्शन EI अपॉन PA होना चाहिए, एंड बाई मल्टीप्लीकेशन थियरम PA कितने बराबर, किसके बराबर हो सकता है, PI इंटू PA अपॉन EI के बराबर हो सकता है बाई मल्टीप्लीकेशन थियरम, और PA की वैल्यू ये टोटल है जो टोटल प्रोबेबिलिटी थियरम से आया है, तो यही आपका बेस थियरम कहलाता है, ठीक, ये आपका बेस थियरम कहलाता है।
अब जो है ख़त्म हुआ थ्योरेटिकल पार्ट, तो एक बार रैपिड रिवीजन में आपको देता हूँ व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इज समथिंग, प्रोबेबिलिटी इज द पॉसिबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ समथिंग एंड इट इज़ डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल वेज डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ वेज, दैट इज द डिफिनीशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी। After that, we had discussed some important formulas of PA union B बराबर PA plus PB minus PA intersection B, ठीक। अब वहाँ से अगर A और B mutually exclusive हो गए, means they are dependent on each other, means the occurrence of one will prohibit the occurrence of the other, then PA intersection B will be zero and the PA union B will equal to PA plus PB, ठीक है। इसके बाद हमने दूसरा फार्मूला जो देखा था PA union B union C का, वो किसके बराबर होता है, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब जो पी ए इंटरसेक्शन बी होता है वो लिटरली क्या डिनोट करता है, अकरेंस ऑफ द बोथ साइमल्टेनियसली, ठीक। इसके बाद जो अगला फार्मूला था कि ए अकर करे बी ना करे, पी ए इंटरसेक्शन बी बार, जो कि डिफाइन होकर था पी ए माइनस पी इंटरसेक्शन बी। ऐसे ही बी अकर करे ए अकर ना करे तो पी ए बार इंटरसेक्शन बी एंड दैट वाज डिफाइंड एज पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी। एंड थर्ड वन वाज दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल अकर, मींस पी ए इंटरसेक्शन बी बार प्लस पी ए बार इंटरसेक्शन बी एंड दैट आफ्टर कंप्यूटेशन वी हैड गॉट पी ए प्लस पी बी माइनस पी माइनस टू पी इंटरसेक्शन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस टू पी इंटरसेक्शन बी, ठीक। दैट्स ऑल अबाउट द फार्मूला दैट वी हैड डिस्कस्ड। Now we come to the next topic, conditional probability, and I had defined that what is a conditional probability. Conditional probability is nothing, simply it is the occurrence of the event A when B had already occurred, or in other sense the occurrence of the B, probability of occurrence of B when A had already occurred. This is called the conditional probability and it is defined as P A by B equals to P A intersection B divided by P B or P intersection B divided by P and from computation we get the multiplication theorem that is PA intersection B बराबर PA into PA by B, PA into PB by A or PB into PA by B, means जो आगे मल्टीप्लाई होगा वही नीचे रहेगा, ठीक। तो ये मल्टीप्लीकेशन थियरम हो गया था। इसके बाद हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट पर आ गए थे। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, जो एक दूसरे पर डिपेंड ना करे, मीन्स अकरेंस ऑफ वन डजेंट इफेक्ट द अकरेंस ऑफ अदर, occurrence of one doesn't affect the occurrence of other, or in other word we can say the probability of occurrence of one has no impact on the probability of occurrence of another event. And in this case we had seen that the p probability of A intersection B is equal to the probability of A into probability of B, and for union we had computed in a few lines that p a union b equals to 1 minus p a bar into p b bar. That is all for independent event. And after that we had seen the concept of partition of a sample space. Then simply the partition of a sample space is nothing but the collection of the events of the sample space taken in such a manner that their union is equal to the sample space and they are pairwise disjoint, means by taking n to set and taking their intersection we get nothing. By choosing any two element of the partition of the set and take the intersection of them, we will get nothing. They are mutually, in a lucid sense, it can be said that they are pairwise disjoint. They are pairwise disjoint. Okay. And after that, we had seen total probability theorem. It says simply that if S is a sample space and even E to En are the partition of the S, then if A is any event that occurs with even E to dot 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 En, then the probability of the occurrence of A will be P A equals to P even into P A by even plus P two into P A by E two dot 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 plus P A PEN into PA by E. And after that we had seen the Bayes theorem. Bayes theorem says nothing, just
इट टॉक्स अबाउट द अकरेंस ऑफ द एनी इवेंट ई आई वेन ए हैड ऑलरेडी अकर्ड देन बाई मल्टीप्लीकेशन थियरम आर कंडीशनल थियरम वी गेट पी ई आई बाई ए इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन ई आई डिवाइडेड बाई पी ए एंड पी ए इंटरसेक्शन ई आई बाई मल्टीप्लीकेशन थियरम विल बी इक्वल्स टू पी ई आई इंटू पी ए बाई ई आई डिवाइडेड बाई पी ए एंड पी ए वाट विल बी द वैल्यू ऑफ पी ए that value will be given by the total probability theorem. So that's all about the probability. Now it's time to discuss questions. Okay. तो ये मैंने आपके लिए सवाल लिख रखा है पहला. इसमें आइए सवाल को समझते हैं कि क्या अप्लाई होगा. ठीक. An insurance company insured 2000 scooter drivers. एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसने 2000 स्कूटर ड्राइवर्स का इंश्योरेंस किया है, 4000 कार ड्राइवर्स का इंश्योरेंस किया है और 6000 ट्रक ड्राइवर्स का इंश्योरेंस किया है. ठीक. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट विद ए स्कूटर ड्राइवर कार ड्राइवर एंड ट्रक ड्राइवर आर 0.01, 0.03 एंड 0.15 रिस्पेक्टिवली. ठीक. कार ड्राइवर का एक्सीडेंट हो सकता है, स्कूटर ड्राइवर का एक्सीडेंट हो सकता है, ट्रक ड्राइवर का एक्सीडेंट हो सकता है. इन सब की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखा है. आपको पूछा है कि वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट. अब क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किसी जो जितने भी इंश्योर्ड हैं जिनका इंश्योरेंस हो चुका है कार स्कूटर ड्राइवर सबको मिला के, इनमें से एक का एक्सीडेंट हो जाता है, एक का एक्सीडेंट हो जाता है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज ए स्कूटर ड्राइवर. मींस आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि जिसका एक्सीडेंट हुआ है वह स्कूटर ड्राइवर ही है. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, डेली लाइफ से रिलेटेड है. तो एक बार क्वेश्चन को और समझते हैं क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर है. आंसर दो लाइन का है, तीन लाइन का है मुश्किल से. ठीक. तो क्वेश्चन जिसको समझ में आ गया तो आंसर दूर नहीं है, दिल्ली दूर नहीं है. ठीक. एक इंश्योरेंस कंपनी है जो 2000 स्कूटर ड्राइवर का इंश्योरेंस करता है, 4000 कार ड्राइवर्स का इंश्योरेंस करता है और 6000 ट्रक ड्राइवर्स का इंश्योरेंस करता है. अब वो कह रहा है कि जो स्कूटर ड्राइवर के एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी है वो 0.01 है, जो कार ड्राइवर के एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी है वो 0.03 है एंड ट्रक ड्राइवर के जो एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी है वो 0.15 है. अब वो कहता है कि इनमें से किसी एक का एक्सीडेंट हो गया, मींस यह इवेंट श्योर है कि एक्सीडेंट हो गया है. मींस अगर हम इसको एक इवेंट मानेंगे, अगर एक्सीडेंट होना एक इवेंट है तो यह इवेंट अकर हो चुका है. एक इवेंट ऐसा मिला हमको जो अकर हो गया है. मीन्स देयर इज समथिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, वी हैव टू यूज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. ठीक. देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज ए स्कूटर ड्राइवर. अगर यह इवेंट हो चुका है तो इसके रिस्पेक्ट में आपसे पूछ रहा है कि वह स्कूटर ड्राइवर हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. मीन्स इसका और इसका रिलेशन है. अगर हम इसको इवन मान लें, चलिए जो ठीक, चलिए क्रम से शुरू करते हैं सोल्यूशन. मान लेते हैं कि स्कूटर ड्राइवर चूज करना पहला इवेंट है, इसको इवन मान लिया. स्कूटर ड्राइवर को चूज करना पहला इवेंट, कार ड्राइवर को चूज करना दूसरा इवेंट एंड ट्रक ड्राइवर का होना तीसरा इवेंट है. E1, E2, E3 और एक्सीडेंट मीट होना, मींस एक्सीडेंट का होना मान लीजिए इवेंट ए है. इवेंट ए है तो फर्स्ट ऑफ ऑल पी ऑफ इवन क्या होगा. स्कूटर ड्राइवर को चूज करने की प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल वेज 2000 एंड टोटल नंबर ऑफ वेज मीन्स जितने भी ड्राइवर हैं 2, 4, 6, 6, 12,000 तो ये आ जाएगा 1/6. टोटल 12,000 ही है. ठीक.
ऐसे ही स्कूटर ड्राइवर का हो गया, तो कार ड्राइवर को चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4000/12000 मीन्स 1/3। एंड ट्रक ड्राइवर को चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2 हो जाएगी। 6000/12000 रिक्वेस्ट 1/2। तो ये बात हो गई ट्रक ड्राइवर को चूज करने का, कार ड्राइवर को चूज करने का और स्कूटर को चूज करने का। अब आगे क्या दिया है? आपसे पूछा है कि एक्सीडेंट हो गया है तो स्कूटर वाले का ही हुआ है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। मीन्स क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवन व्हेन ए हैड ऑलरेडी अकर्ड। ट्रक ड्राइवर के होने की, स्कूटर ड्राइवर के होने की प्रोबेबिलिटी जबकि एक्सीडेंट हो चुका है। ए इज अ सर्टेन इवेंट दैट हैड ऑलरेडी टेकन प्लेस, ए हो चुका है, ठीक। ये हमको कंप्यूट करना है। अब आप देखिए पी इवन बाई ए, तुरंत आपके दिमाग में बेस थ्योरम आना चाहिए, क्योंकि बेस थ्योरम ही डिफाइन करता है पी ई आई बाई ए। अब आगे और देखते हैं क्या दिया है आपको। दिया है, चलिए ऊपर वाली लाइन इरेज कर देते हैं क्योंकि इसके इंफॉर्मेशन को हमने राइट डाउन कर लिया है। चलिए अब कह रहा है कि एक्सीडेंट हो चुका है तो स्कूटर वाले के एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी आपको 0.01 दिया है। मीन्स एक्सीडेंट हो चुका है तो एक्सीडेंट स्कूटर वाले का हुआ है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको क्या दिया है? 0.01। ऐसे ही एक्सीडेंट हो चुका है, एक्सीडेंट हैड टेकन प्लेस एंड द पॉसिबिलिटी दैट इट वाज द कार ड्राइवर इज गिवन 0.03। एंड सिमिलरली पी ए बाई ई थ्री इज गिवेन, पी ए बाई थ्री इज गिवेन 0.15। दीज आर द इंफॉर्मेशन दैट वी हैड ऑलरेडी इन आवर हैंड। नाउ बाई अप्लाइंग बेस थ्योरम, वाट बेस थ्योरम सेज? पी इवन बाई ए मस्ट बी इक्वल्स टू पी इवन इंटू पी ए बाई इवन डिवाइडेड बाई सेम थिंग पी इवन इंटू पी ए बाई इवन प्लस पी ई टू इंटू पी ए बाई ई टू। यही बेस थ्योरम कहता है। अब सब की वैल्यू हमको पता है भैया, पी ई वन पता है, पी ए बाई ई वन पता है, सब पता है, रख के कंप्यूट कर लो, कुछ आ जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये कई बार पूछा है, मैं आपको बताता हूँ कितनी बार पूछा है ये। तो हमको उससे नहीं मतलब होता है कितनी बार पूछा है, बात कंसेप्चुअल क्लियरिटी से है भैया। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जो कई किसी बार ना पूछा गया हो, तो दैट्स नॉट द मैटर, आपको समझना है मेनली, ठीक। ये आपको 2000 में पूछा था, 2002 में पूछा था, 8 में पूछा था, 12 में पूछा था, 14 में पूछा था और लेटेस्टली 19 में भी पूछा था, ठीक, 19th में भी पूछा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, सपोज दैट 5% ऑफ द मेन एंड 0.25% ऑफ द वुमेन हैव ग्रे हेयर। 5% मेन एंड 0.25% वुमेन हैव ग्रे हेयर। क्वेश्चन को लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। क्वेश्चन टू दिया है, सपोज 5% ऑफ मेन एंड 0.2% ऑफ वुमेन हैव ग्रे हेयर, ठीक, इनके बाल ग्रे हैं। अ ग्रे हेयर्ड पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, अ ग्रे हेयर्ड पर्सन, अ ग्रे हेयर्ड पर्सन सेलेक्टेड एट रैंडम, सेलेक्टेड एट रैंडम, रैंडमली किसी को सेलेक्ट किया गया और वह ग्रे हेयर्ड है, दैट वॉज श्योर, दैट इज श्योर।
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्सन बीइंग मेल? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस ग्रे हेयर्ड पर्सन इज मेल ठीक, पर्सन इज मेल एंड अज्यूमिंग दैट देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, अज्यूमिंग दैट देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, यह आपको मान के चलना है कि मेल और फीमेल की संख्या बराबर है। भैया ये भी पूछा गया है 2011 में, आपसे पूछा गया था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। चलिए बारीकी से क्वेश्चन को स्टडी करते हैं क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस की एक खासियत होती है, बहुत लेंदी नहीं होते हैं लेकिन टेक्निकल होते हैं। अगर जिसको क्वेश्चन समझ में आ गया, एक व्यू बनना चाहिए, तब समझ लीजिए दो लाइन में आपका हो जाएगा। अब देखिए जो इवेंट्स हैं, पहले हमको इवेंट्स को कैसे डिवाइड करना है, किसको इवन मानना है, किसको ई टू मानना है, एंड व्हाट विल बी द श्योर्ड इवेंट। तो आपको दिख रहा होगा कि जो पर्सन रैंडमली सिलेक्ट किया गया है वो ग्रे हेयर्ड है ठीक, कहां चला गया? अ ग्रे हेयर्ड पर्सन सिलेक्टेड एट रैंडम मीन्स जिसे चूज किया गया है वो ग्रे हेयर्ड है, मीन्स दिस इवेंट इज फिक्स्ड। ये तो हो गया, ए हमको इवेंट मिल गया ठीक, ए क्या हम मान सकते हैं ग्रे हेयर्ड होने का, ए इवेंट क्या है ग्रे हेयर्ड होने का। मान लो इवन जो है वो मेल होने का है और ई टू जो है, या चलो इवन ई टू ही कर देते हैं, ई टू जो है वो फीमेल होने का है। मैं एम और एफ करना चाहता था ठीक है। इवन ए जो इवेंट है, जो सेवर्ड इवेंट है, जो हो चुका है, उसको ग्रे हेयर्ड होना मान लिया हमने, और इवन जो है मेल होने का और ई टू जो है वो फीमेल होने का ठीक। अब बताइए मेल को चूज करने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी है? नंबर ऑफ फेवरेबल वेज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वेज। अब मेल और फीमेल बराबर हैं तो 1/2, क्योंकि यहां पर जितना फेवरेबल होगा उसका 2 गुना नीचा होगा, टोटल देखने पर नीचे होगा, डिनोमिनेटर में होगा। सिमिलरली पी टू कितना हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा, क्योंकि फेवरेबल वेज मान लीजिए एन है तो टोटल नंबर ऑफ वेज 2n होंगे, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों बराबर हैं, तो एन से एन कट के 1/2 आ जाएगा ठीक। तो पी इवन पी टू हो गया। अब देखिए कह रहा है कि 5% मेन आर ग्रे हेयर्ड, मीन्स पर्सनालिटी ग्रे हेयर्ड है, उसके मेन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 5%, मीन्स 1/20। सिमिलरली पर्सनालिटी ग्रे हेयर्ड है, उसके वोमेन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.25%, मीन्स 0.25/100, मीन्स एग्जैक्टली 1/400। तो पी ए बाई इवन भी पता चल गया, पी ए बाई ई टू भी पता चल गया। आपको निकालना क्या है कि जो पर्सन सेलेक्ट किया गया है वो ग्रे हेयर्ड है, मीन्स ए हो चुका है, उसके मेल होने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछा है, आपसे ये पूछा है दिस ग्रे हेयर्ड पर्सन इज मेल, मेल इवन, तो बाई बेस थ्योरम क्या हो जाएगा पी इवन इंटू पी ए बाई इवन
अपॉन में ये पूरा क्वांटिटी वही प्लस पी ई टू पी ए बाई ई टू, बस इसी में उठाकर सब की वैल्यू रख दीजिए, काम हो जाएगा। तो देख रहे हैं आंसर छोटा है, क्वेश्चन ही बड़ा है, समझ आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक, तो ठीक है, एक दो क्वेश्चन ये दोनों बेस थ्योरम पर हो गए। आइए अब कुछ अलग टॉपिक्स पर भी देखते हैं। देखिए, हमने मेंशन नहीं किया था कि मैं किस टॉपिक का ले रहा हूँ, लेकिन दी गई जानकारी के हिसाब से खुद ब खुद आइडिया लग जा रहा था कि कौन सा लगाना पड़ेगा तब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आएगी। आइए और क्वेश्चंस पिकअप करते हैं, देखते हैं और क्या दिया है। ठीक, चलिए इसको कंसीडर करते हैं। एक क्वेश्चन आपको दिया है, इन बोल्ट फैक्ट्री मशीन्स ए बी सी मैन्युफैक्चर रिस्पेक्टिवली 25%, 35% एंड 40% ऑफ द टोटल बोल्ट्स। एक बोल्ट फैक्ट्री है, उसमें तीन मशीनें लगी हुई हैं ए बी और सी। ए जो है 25% प्रोड्यूस करता है, बी 35% प्रोड्यूस करता है और सी 40% प्रोड्यूस करता है। आगे क्या कहता है देखते हैं। ऑफ द टोटल बोल्ट्स ऑफ देयर आउटपुट, जितना उन्होंने आउटपुट दिया, जितना उन्होंने प्रोड्यूस किया, उसमें से 5, 4 और 2% रिस्पेक्टिवली फॉल्टेड हैं, डिफेक्टिव पार्ट्स हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली सिलेक्टेड बोल्ट इज डिफेक्टिव, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली सिलेक्टेड बोल्ट इज डिफेक्टिव। ठीक है, डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछा है, चलिए निकालते हैं। तो एक बार मैं क्वेश्चन और पढ़ता हूं। दिया है एक बोल्ट फैक्ट्री है, एक बोल्ट फैक्ट्री है, मान लीजिए फैक्ट्री है, इसमें तीन मशीनें लगी हुई हैं ए बी और सी। ए का जो प्रोडक्शन है 25% है, बी का जो प्रोडक्शन है 35% है और सी का जो प्रोडक्शन है वह 40% है। अब ए जो पार्ट्स बनाता है इसका 5% डिफेक्टिव है, इसका 4% डिफेक्टिव है, देख लेता हूं एक बार कंफर्मेशन के लिए कहां चला गया। हाँ, इसका 4% डिफेक्टिव है और इसका 2% डिफेक्टिव है। तो आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, ही इज आस्किंग फॉर द प्रोबेबिलिटी दैट इफ रैंडम बोल्ट इज सिलेक्टेड देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज डिफेक्टिव, दैट इट इज डिफेक्टिव मीन्स डिफेक्टिव बोल्ट को चूज करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी। चलिए ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मान लीजिए जो बोल्ट है वो ए का होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो बी का होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो सी का होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये हम निकाल लेते हैं। तो जो बोल्ट सेलेक्ट किया गया है वो ई का होगा, मान लीजिए ए का बोल्ट होने का जो इवेंट है उसको इवन से दिखाएं, देन पी इवन विल बी 25/100 मीन्स 1/4। सिमिलरली बोल्ट बी का होगा, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फॉल्टी इन जनरल एनी बोल्ट, पी ई टू विल बी 35% मीन्स 35/100 मीन्स 7/20 वी कैन राइट बाय कैंसिलिंग आउट बाय 5 एंड पी ई थ्री विल बी 40/100 मीन्स 4/10 मीन्स 2/5। ये हमको पता चल गया। ठीक, अब एक बोल्ट सेलेक्ट किया गया है तो उसका
ए का होने का, बी का होने का, सी का होने का प्रोबेबिलिटी आ गया, लेकिन वह बोल्ट डिफेक्टिव पीसेस में से है। अगर वह बोल्ट डिफेक्टिव है, अगर डिफेक्टिव होने को ए मान लें, डिफेक्टिव होने को अगर ए मान लें, ए शोज द इवेंट डिफेक्टिवनेस ऑफ द बोल्ट, डिफेक्टिव होने का ये इवेंट है, तो सिलेक्टेड जो बोल्ट है वो डिफेक्टिव है, उसके ए से होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? ये ए, उससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये इवेंट वाला है, वो नाम दे दिया है मशीन को। जो बोल्ट है वो डिफेक्टिव होगा और वो ए वाले का डिफेक्टिव होगा, तो उसका 5% डिफेक्टिव है तो 5/100 हो जाएगा, मींस 1/20। सिमिलरली बोल्ट डिफेक्टिव है, उसके बी के होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 4% मींस 4/100 मींस 1/25। एंड सिमिलरली बोल्ट डिफेक्टिव है तो उसके सी के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 2% मींस 2/100 मींस 1/50। अब हमको निकालना है कि हमारा जो बोल्ट है वो डिफेक्टिव है, मींस पी ऑफ ए निकालना है, और जब भी पी ऑफ ए टाइप का एक्सप्रेशन मिलेगा आपको टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम याद करना है। ये क्या कहता है? ये किसके बराबर हो जाएगा? पी ई वन पी ए बाई ई वन प्लस पी ई टू इंटू पी ए बाई ई टू एंड जितने भी होंगे, यहाँ पर तीन ही है, तो पी ई थ्री इंटू पी ए बाई ई थ्री, सब की वैल्यू उठाकर इसमें पुट कर दीजिए, आंसर तैयार है। ठीक, तो यह भी क्वेश्चन अच्छा था जो कि टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम पर बेस्ड था, तो ये भी हो गया। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक इंडिपेंडेंट इवेंट पर बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका नियरली बेस थ्योरम का हो गया, एंड ये आपका टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम पर हो गया था। क्वेश्चंस इसी टाइप के आएंगे, तो जो आपको समझना है कि क्या दिया है उसी को कैसे पता करें, क्या क्या क्वेश्चन में दिया है, अगर आप ये भी पता कर लें ठीक से, तो आंसर आधा तैयार है, क्योंकि क्या दिया है उसी के अकॉर्डिंग दिख रहा है कि कौन सा फार्मूला लगाएंगे। तो ये पॉइंट आउट करना यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि क्या दिया है, आदमी यही नहीं जानता है कि क्या उसको पता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और फिगर आउट करने का प्रयास करेंगे कि किस टॉपिक का है। इफ टू स्विचेज S1 एंड S2 हैव रिस्पेक्टिवली 90% एंड 80% चांसेस ऑफ वर्किंग, ठीक, दो स्विच दिया है S1 और S2, स्विच दिया है S1 और S2, तो बोल रहा है कि S1 और S2 काम करेंगे, इसकी 90% एंड 80% रिस्पेक्टिवली चांसेस हैं, मीन्स पहले के S1 के काम करने का जो चांस है वो 90% है और दूसरे के जो वर्क करने की प्रोबेबिलिटी है वो 80% है, मीन्स 20% चांसेस हैं कि वो काम ना करें। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट विल वर्क। एक आपको दो सर्किट दिया है मुन्ना भाई सर्किट वाला। पहला सर्किट जो दिया है वो ऐसा बना हुआ है, यहां पर लाइट लगा हुआ है, लैंप लगा हुआ है, ये S1 है, अच्छा यहां पर S2 भी जोड़ रखा है, ये S2, ये पहला सर्किट हो गया। और जो दूसरा सर्किट आपको दिया है वो ऐसा दिया है, ये दिया है S1 S2 जोड़ दिया है, तो आपको बताना है कि दोनों ही काम कर जाएं, दोनों ही सर्किट में करंट फ्लो शुरू हो जाए, लैंप हमारा जल जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। पहले सर्किट की बात करते हैं। अच्छा, जो दिया है वो सर्किट S1 के काम करने की प्रोबेबिलिटी 90% है, मींस 90/100 मींस 9/10। सिमिलरली S2 के काम करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 80% है, मींस 80/100 मींस 8/10, ये दिया दे रखा है।
अब पूछ रहा है कि दोनों ही सर्किट में करंट फ्लो हो जाए, दोनों सर्किट वर्किंग कंडीशन में हो जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो पहले सर्किट की बात करते हैं। पहला सर्किट में लैंप कब जलेगा? जब दोनों स्विच ऑफ हों, दोनों स्विच बंद हों। ऑफ होने का मतलब यानी लाइट बुझा दिया, ऑफ होने का मतलब कि इसको इससे कनेक्ट कर दिया, तो करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो पहला सर्किट वर्क तभी करेगा जब दोनों काम करते हैं। मीन्स दोनों का मतलब S1 इंटरसेक्शन S2, दोनों को काम करना है, दोनों को काम करना है, ठीक है। और दोनों का काम करना एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है। S1 और S2 स्विच अलग अलग हैं, तो पहला काम कर रहा है, दूसरा नहीं, उसका पहले से कोई लेने देने नहीं है। सिमिलरली फॉर वाइस वर्सा फॉर सेकंड। तो इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में ये क्या हो जाता है, पी एस वन इंटू पी एस टू। अब ये दोनों आपको पता है 9/10, 8/10, 72/10 जो भी आएगा, 72/100 10 लिख दिया, प्रोबेबिलिटी 7 आ गई, गड़बड़ हो गया, 72/100। तो पहला सर्किट काम कर जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 72/100 या 36/50 या 18/25, कुछ भी कहें। अब दूसरा सर्किट कब काम करेगा? अगर सपोज एक भी स्विच बंद हो जाता है तो काम कर जाएगा, अगर ये बंद हो जाए तब भी करंट ऐसे ऐसे करके फ्लो हो जाएगा, और ये खुला है ये भी बंद हो जाए तब भी सर्किट। मीन्स कम से कम एक, और जब एटलीस्ट वन की बात होती है तो यूनियन आ जाता है, और फिर से इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ये क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में S1 बार इंटू पी S2 बार, इसीलिए मैंने इस फॉर्मूले को बता दिया था। अब S1 बार का मतलब क्या होता है, 1-PS1, और इसका क्या मतलब होता है, 1-PS2। अब यहाँ पी S1 S2 की वैल्यू रख दीजिए, हो जाएगा, ठीक। तो एक फिजिकल प्रॉब्लम को भी हमने प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करके कर लिया। आइए आगे बढ़ते हैं। ये तो कहाँ का क्वेश्चन हो गया, किस टॉपिक का, इंडिपेंडेंट इवेंट का हो गया। अब एकाक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर अभी नहीं आया, एक आधा क्वेश्चन कंसीडर कर लेते हैं उस पर भी, उसके तो क्वेश्चन आसान ही होते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन देखते हैं कहाँ दिया है, सर्च कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ ये दिया, पढ़ता हूँ आपके लिए क्वेश्चन में। मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर, ठीक, माता पिता और बच्चा एक फैमिली पिक्चर के लिए रैंडमली लाइन में खड़े हो जाते हैं। फाइंड ए बाय बी इफ ए एंड बी आर डिफाइंड एज ए सन एट वन एंड बी फादर इन द मिडल, ठीक। चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन छोटा है लिख देता हूँ। कह रहा है फादर, मदर एंड चाइल्ड, फादर मदर एंड चाइल्ड लाइंड अप फॉर अ फैमिली फोटो, लाइंड अप फॉर अ फैमिली फोटो, लाइंड अप फॉर अ फैमिली फोटो। कह रहा है फाइंड ए बाय बी, फाइंड ए बाई पी ऑफ ए बाई बी, वेयर ए क्या है, ए शो करता है सन एट वन एंड, सन एट वन एंड, एंड बी शोज फादर इन द मिडल, फादर इन द मिडल, ये हो गया। तो ए जो इवेंट है वो सन के एक एंड पर, चाहे पहले एंड पर हो या दूसरे एंड पर, और जो बी है कि फादर मिडिल में हो। तो इसका सलूशन बहुत ही आसान, पहले हमको सैंपल स्पेस लिखना होगा। अस अगर फादर को एफ से, मदर को एम से, और चाइल्ड को सी से या सन को एस से दिखाएं, तो इनके खड़े होने की जो टोटल कॉम्बिनेशंस हैं, टोटल परम्यूटेशन है, 6 बनेंगी। तीन ऑब्जेक्ट को डिफरेंट तरीके से अरेंज करना कितना होता है, फैक्टोरियल 3 मीन 6,
तो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कौन कौन से परम्यूटेशन, कौन कौन से अरेंजमेंट बनेंगे। चलिए फादर को पहले पर फिक्स कर देते हैं और मदर और सन की पोजीशन को चेंज करते हैं। अब फादर को मिडिल में फिक्स कर देते हैं और मदर और सन की पोजीशन को चेंज करते हैं। अब फादर को लास्ट में फिक्स कर देते हैं, मदर और सन की पोजीशन को चेंज करते हैं। यही सैंपल स्पेस बनेगा। इसमें से जो ए वाला हमारा हो जाएगा, जिसमें जिसमें सन एक एंड पर हो, ये आ जाएगा इसमें, ये आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, सन इसमें भी एक एंड पर है और ये वाला भी आ जाएगा। बी वाले में हमारा क्या आ जाएगा, जिसमें फादर मिडिल में हो, तो फादर मिडिल में यहाँ पर है और यहाँ पर है और कहीं नहीं है, ठीक। तो इनके इंटरसेक्शन में दो एलिमेंट आ जाएंगे, एन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, दो एलिमेंट हो जाएंगे। और पी ऑफ ए बाई बी क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ठीक है, या एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी। तो एन ए इंटरसेक्शन बी टू हो गया और एन बी फोर हो गया, चार हैं पी ए बाई, तो कितना आ जाएगा, वन बाई, इंटरसेक्शन में दो हैं और पी बी में चार हैं, तो ये हो जाएगा, ठीक। एकदम आसान सा क्वेश्चन था। अच्छा, नीचे पी बी होता है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन में भी दो ही हैं, ठीक है, तो टू बाई टू तो वन आ जाएगा भाई। पी ए बाई बी होता है पी इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ठीक, मीन्स एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी, ये तो होगा। इंटरसेक्शन में दो एलिमेंट हैं, एन ए इंटरसेक्शन बी दोनों ही इसमें हैं, ठीक, दोनों ही कॉमन है, ये भी यहाँ पर हैं, एम एफ एस और एस एफ एम दोनों यहाँ पर हैं, इंटरसेक्शन में दो हो गया और बी में भी दो, तो टू बाई टू वन होता, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन हो गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। तो आई होप आपको अब चीज़ें क्लियर होंगी और इससे टिपिकल लेवल का आपसे नहीं पूछेगा, अगर आपको क्लियरली आपको कंसेप्ट्स पता हैं, क्वेश्चन में क्या दिया है ये फिगर आउट करना आपको आता है, तो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस बहुत ही आसान आपके लिए हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसको प्रोबेबिलिटी को मैं फिनिश्ड मान के इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करता हूँ एंड विश यू वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो धन्यवाद कि आप लोगों ने हमसे पढ़ा।